हेलो मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आर्य। मेरे चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज हम मैं आपको एक बीमारी के बारे में बता रहा हूँ। हालांकि ये बीमारी नहीं है, एक एक बीमारी ही कह लो और क्या। मतलब इसमें ऐसा होता है कि मुर्गे मुर्गियां स्ट्रेच में आ जाती है। कम स्पेस में अपन रखते हैं, चूजे लाए या तो फिर मुर्गी लेके आए, तो जैसे 100 मुर्गी लेके आए और 20x30 के कमरे में रख दिया सेट बना के, तो इसमें क्या है कि मुर्गियां स्ट्रेच में आ जाती है। इस बीमारी को कैल्जा पिनियम कहते हैं। ये बीमारी बहुत ही गंभीर होती है, हालांकि ठीक भी हो जाती है, ऐसे कोई बात नहीं है। पर क्या है कि ये बीमारी का इलाज करना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो ये क्या है कि मुर्गियों पे ज़्यादा प्रभाव छोड़ देती है। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसका कोई निदान तो नहीं है। इसका निदान एक ही है कि मुर्गियों को ज़्यादा स्पेस में रखे और अच्छा साफ सफाई, डिंकर फीडर की सफाई, अपने सेट की सफाई अच्छे से रखे और बहुत ही अच्छा साफ सफाई रख के करे। क्योंकि इस बीमारी का ऐसा है कि मुर्गियां स्ट्रेच में आ जाती है, कम स्पेस में रहते डिंकर फीडर कम होने से, पानी की कमी से, कैल्शियम की कमी से मुर्गियां स्ट्रेच में आ जाती है। इसलिए इस बीमारी को कैल्जा फियम कहते हैं। इसलिए इसका निदान ये है कि अच्छा फीड खिलाए, और मैं कुछ दवाइयां रिकमेंड कर रहा हूँ, ये दवाइयां खिलाए और खुले स्पेस में ज़्यादा रखे तो बहुत ही अच्छा है। और ना खुला स्पेस हो तो आप ऐसा करिए कि मुर्गियों को थोड़ा दूरी पे रखें। ज़्यादा मुर्गे मुर्गियां सेट में एक ही जगह इकट्ठा ना होने दें। और साफ सफाई का तो नियमित ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसलिए ही ये बीमारी उत्पन्न होती है। और ये बीमारी ऐसी है कि ये बीमारी में मुर्गे मुर्गे एक दूसरे को मारती है, और बहुत ही इतना मारती है कि ये अपनी जान तक ले लेती है। और एक मुर्गी पे एक घाव हुआ तो ये क्या है कि जैसे डिंकर फीडर लाल कलर के होते हैं, डिंकर फीडर लाल कलर का होने से ये लाल कलर पे ज़्यादा एक्टिव होती है, और जब ये किसी जगह चोट कर देती है तो खून निकलने लगता है। खून निकलने से क्या है कि सब मुर्गियां एक ही जगह चोंच मारने लगती है। चोंच मारेगी तो घाव होगा, घाव होगा तो मुर्गी सुधरेगी नहीं, मुर्गी स्वस्थ नहीं रहेगी। और इसलिए तुम ऐसा करिए कि बहुत ही अच्छा साफ़ सफाई का ख्याल रखें और पानी की अच्छी व्यवस्था करें, खाने की अच्छी व्यवस्था करें। बस यही मित्रों, ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही।